नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य सरस आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल शैलेंद्र सरस में। साथियों, आज का हमारा वर्ण विषय है आयुर्वेद और औषधि। आयुर्वेद औषधियों की चर्चा करते समय हम आपको सबसे पहले ये बताना चाहेंगे कि इस समय पर पिछले कुछ महीनों से हमारे यहाँ पर एक वैश्विक महामारी का प्रकोप निरंतर बढ़ता जा रहा है, जिसको हम कोरोना वायरस के नाम से जानते हैं। कोरोना वायरस एक ऐसी वैश्विक महामारी है जिसमें पूरा विश्व आज जूझ रहा है, और एक बार फिर से आयुर्वेद की ओर व्यक्तियों ने ध्यान दिया है, क्योंकि ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें किसी भी प्रकार की कोई भी दवा काम नहीं कर रही है। इसमें सिर्फ और सिर्फ हमारे अंदर जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है उसको बढ़ाने से ही इसका निदान हो सकता है। तो साथियों, आज का हमारा विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है, कोरोना वायरस को कैसे पछाड़ा जाए। इसके लिए इसमें क्या करना है, इसकी जो औषधि या दवाई है मूल रूप से आज तक कोई भी नहीं बन पाई है। ऐसे में हम केवल अपने अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता को विकसित करेंगे। इसके लिए मैं आपको बता रहा हूं उत्तम पेय पदार्थ, जिसको हम काढ़ा के रूप में जान सकते हैं। विभिन्न प्रकार की औषधियों के द्वारा हम काढ़ा को तैयार करते हैं, लेकिन यहां पर आपको जितनी भी औषधियां बताई जा रही हैं, इनमें से जो भी प्राप्त हो सकती है आपके गाँव आस पास में, उनसे काढ़ा को तैयार किया जा सकता है। जरूरी नहीं है कि सारी दवाइयां सारी औषधियां आपको मिल पाए। तो साथियों, शुरू करते हैं कुछ औषधियां जिनको हम आपको बता रहे हैं, पहचान करवा रहे हैं, उनके द्वारा काढ़ा बनाया जाता है। तो साथियों, काढ़ा कैसे तैयार करना है मैं पहले आपको यह बता देता हूं। काढ़ा बनाने के लिए आयुर्वेद के आधार पर चौथाई पानी रहना चाहिए, मतलब अगर आपने एक लीटर पानी को रखा है तो 250 ग्राम पानी बचना चाहिए। ऐसे ही लगभग 2 लीटर पानी रखना चाहिए और आधा लीटर पानी शेष उसमें से बचाना चाहिए, और वो पानी गर्म होते होते मतलब आग पर चढ़ा देनी चाहिए पतीली को या किसी पात्र को जिसमें वो काढ़ा बनता रहे। काढ़े को जितनी हल्की आंच पर और देर तक पकाया जाता है उतना ही ज्यादा स्थायी और अच्छा बनता है। तो साथियों, शुरू करते हैं औषधियों की पहचान और उनका नामकरण, देखते हैं क्या है। तो सबसे पहले औषधि जो हमारी है, जो मूल रूप से हमें कुछ औषधियों का प्रयोग करना चाहिए, वो सबसे पहले मैं बता रहा हूं, वो है आपकी निर्विषि। निर्विषि की मूल मतलब जड़ का प्रयोग किया जाता है, जो कुछ इस तरह से होती है। ये आपको जंगलों में मतलब बागीचों में, पुराने बागीचों में आपको अच्छे से सुलभ हो सकती है, और इसकी जड़ का प्रयोग किया जाता है, इसको कहते हैं हम निर्विषि। ये गले के लिए, बुखार के लिए और समस्त प्रकार के सरदर्द के लिए बहुत ही उत्तम औषधि के रूप में होती है। इसके बाद में बात करें हम गिलोय या अमृता की। जो गिलोय और अमृता होती है वो किस इस तरह से होती है, ये एक बेल के रूप में ये भी चलती है, पेड़ों के ऊपर अपना आश्रय बनाती है, और इसको अगर हम काट कर देखें तो ये इस तरह से इसमें अंदर चक्र जैसे मतलब तीलियां जैसी आपको नज़र आएंगी। तो ये बहुत ही उत्तम अमृता होती है, जो कि लगभग अंगूठे से ज़्यादा मोटी हो तो बहुत अच्छी होती है। ना मिल सके तो ऐसी पतली शाखाओं से, टहनियों से भी काम चलाया जा सकता है। इसके बाद में इसमें हम डालते हैं रुसाहा। रुसाहा की पीली और गरम पत्तियों, पीली और पुरानी पत्तियों को डालने से ज़्यादा लाभ करता है। ये प्रमुख रूप से बुखार और रोग प्रतिरोधक क्षमताओं को दूर करने के लिए होता है, और रोग प्रतिरोधक क्षमताओं को बढ़ाने के लिए होता है। इसके बाद में है आपका ये जराकुश, इसे डाला जाता है। तत्पश्चात ये एक जो आप देख रहे हैं पत्तियाँ, ये हैं इलायची की। इसमें मसाले वाली इलायची और सफ़ेद इलायची दोनों को डालना चाहिए। नीम की टाँकी मतलब नीम की पत्तियों को हटा देना चाहिए, और शेष जो इस तरह से टाँकी आपकी बचती हैं इनको टुकड़े कर करके डाल देना चाहिए। इसके बाद में बाज़ार में सर्व सुलभ रहती है पिपली। ये हमारे पास पिपली का पौध है। पिपली की पौध को भी जहाँ से आप ये देख रहे हैं कि पत्ते निकलते हैं, वहाँ से आप अगर जड़ इसको ज़मीन में लगा दीजिए तो ये चल भी जाती हैं, इसमें किल्ले फूट जाते हैं, अंकुर आ जाते हैं। तो पिपली अगर आपको बाजार में सुलभ है तो ठीक है, नहीं है तो आप पौध भी लगा सकते हैं इसकी, और इसकी पत्ती का भी प्रयोग किया जा सकता है। इसके पश्चात हल्दी, हल्दी को डाला जाता है जो कि बैक्टीरिया नाशक रहती है। अमरूद की पत्ती जो कि गले के लिए बहुत ही उत्तम होती है। अजवाइन जो कि पेट और गले के लिए बहुत अच्छी होती है। तो ये सारे पौध अगर उपलब्ध हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं उपलब्ध हैं तो बाज़ार से आप ले सकते हैं। इसके साथ साथ में हम कुछ औषधियां और आपको बता रहे हैं जो आपको उपलब्ध हो जाएंगी, लेकिन उनमें से मैं एक इस तरह से आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक पर्चा रखा हुआ है, इस पेपर पर कुछ औषधियों को दर्शाया गया है। इन औषधियों को जिस तरह से ये दर्शाया जा रहा है, आप इसमें से
नोट कर सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसमें नोट कीजिएगा कि यहाँ पर लिखा है गुर्च या गिलोय, निर्विसी, नीम की टांकी, लभेरे का पत्ता, तुलसी का पत्ता, अमरूद का पत्ता, पीपल का पत्ता, पपीते का पत्ता, जराकुस, तेजपत्र, पिप्पली, इलायची, गुड़, काला नमक, लौंग, हल्दी, अदरक, कपूर, काली मिर्च, अजवाइन, वंशलोचन, जायफल, लहसुन, दालचीनी, अशोक की छाल और अर्जुन की छाल। ये इनमें से बहुत सी ऐसी औषधियां हैं जो आपको बागीचों में या किसी रोड सड़क के किनारे आपको पेड़ के रूप में मिल जाएंगी। नहीं मिलती हैं तो आप इन्हें बाज़ार से भी प्राप्त कर सकते हैं। इन औषधियों में से जो आपको ज़्यादा से ज़्यादा मिल सके उनका प्रयोग करना चाहिए और इस तरह से काढ़े को बनाकर इस महामारी से मुक्ति पाई जा सकती है। तो साथियों, आज का हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे कि इस रोग से, इस वैश्विक महामारी से जल्द निजात पाई जा सके, इससे मुक्ति पाई जा सके। तो लेते हैं विदा, मिलते हैं एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।